नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। रुड़की विश्वविद्यालय में रंगारंग कार्यक्रम के दौरान जमकर मचा बवाल। पथराव फायरिंग के दौरान मजी अफरा तफरी, कैंपस बना दंगल का मैदान। गुरु शिष्य परंपरा हुई शर्मसार। रुड़की विश्वविद्यालय में आज रंगारंग कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति को लेकर छात्र व शिक्षकों के बीच संघर्ष हो गया, जिसमें पथराव फायरिंग से महाविद्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद छात्राओं में दहशत का माहौल बना हुआ है। अभी महाविद्यालय में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शरारती तत्वों को लाठी पटकाकर खदेड़ दिया। विद्यालय परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया। इस वक्त रुड़की से जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक। दीपक, क्या है पूरा मामला? सर, ये मामला इस तरह का है कि शाम को 6 बजे करीब ये मामला हुआ है। जो मामला हुआ है ये देहरादून रोड पे स्थित एक यूनिवर्सिटी का मामला है, जिसका नाम मदरहुड यूनिवर्सिटी के नाम से है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ छात्रों और शिक्षकों के बीच में कुछ झड़प हो चुकी थी। इस मामले में पहले ही इन शिक्षकों के साथ कुछ मामला इतना बढ़ चुका था कि कुछ शिक्षकों के साथ छात्रों का ऐसा मामला था कि उन्होंने कुछ पथराव करा और उन्होंने लाठीचार्ज करा शिक्षकों ने एक दूसरों पे। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक कॉलेज के अंदर फायरिंग भी की गई है, लेकिन पुलिस का सीईओ मंगलोर का कहना है कि सूचना उनको फायरिंग की नहीं है, लेकिन छात्रों का और मसूद के जो डायरेक्टर का कहना है कि इस बवाल की सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी है। दीपक, जो बवाल हुआ था उसको लेकर अब स्थिति क्या बनी हुई है? जो बवाल इस टाइम यूनिवर्सिटी में हुआ था उसको लेकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है और वहां पे अभी फिलहाल माहौल शांत है। इस बवाल को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंध तंत्र का क्या कहना है? उनका कहना है कि जो बवाल हुआ है ये शिक्षकों बीच में कुछ लड़कों का वहां पे कार्यक्रम चल रहा था यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर किसी लड़कों भारी युवकों द्वारा कॉलेज के युवकों पर हमला किया गया है, जिसकी तहरीर उन्होंने पुलिस को दी है। जैसे कि आपने बताया विश्वविद्यालय में स्टूडेंट और टीचरों में बवाल हुआ है, उसमें किसकी गलती बताई जा रही है? वहां पर एक पीड़ित छात्र है जिसका कहना यह है कि उन्होंने छात्र के ऊपर थप्पड़ मारा है, जिसको लेकर उन्होंने बवाल किया है।